कपाल भाती। कपाल भाती के साथ दुविधा ये है कि लोग, कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी मुझे मिलते हैं, उन्हें कपाल भाती यानी इसका सही नाम भी नहीं पता है। कई लोग कहते हैं कपाल भारती, कई लोग कहते हैं कपाल भांति। नहीं, इसका नाम है कपाल भाती, कपाल भाती। ठीक है, तो अब इसे करने का सही तरीका क्या है? अगेन, आप या तो इस तरीके से सुखासन में बैठें, या फिर आप पद्मासन यदि लगा सकते हैं, दायां पैर ऊपर और फिर उसके ऊपर बायां पैर, इस तरीके से। ये आपका पद्मासन है। पद्मासन में आप बैठेंगे, आप हाथों की मुद्रा वायु मुद्रा कर सकते हैं, वायु मुद्रा में आप बैठें, या फिर अपान मुद्रा करें। इस तरीके से बैठने के बाद आप फिर कपाल भाती करते वक्त सांस को तेजी से इनहेल करेंगे, और जब आप इनहेल करेंगे झटके के साथ, उस वक्त आपका स्टमक अंदर जाता है, तो जो आपकी इंटेस्टाइन है, आपकी स्प्लीन है, आपका जो गट है, वो पूरी तरीके से एनर्जाइज हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। किस तरीके से करेंगे, अब करने का तरीका बताती हूँ। तेजी से सांस को अंदर लेना और फिर बाहर छोड़ना, एक्सहेल करना नासिका से। झटका बहुत ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि कई लोग जब गलत तरीके से कपाल भाती करते हैं तो फिर वो ये शिकायत करते हैं कि उनकी बैक पेन हो रही है, उनके पीठ में दर्द हो रहा है। सही तरीका ये है, आप एक सेकंड में एक बार सांसों को अंदर खींचे। जब आप सांस को अंदर खींचते हैं, तब आप अपने पेट पे एक झटका महसूस करते हैं, और जब आप अपनी सांस को बाहर छोड़ते हैं यानी एक्सहेल करते हैं, तभी आप झटके के साथ एक्सहेल करते हैं। और कब ये इनहेल और एक्सहेल का प्रोसेस बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है, बहुत ही नेचुरल हो जाता है, सहज हो जाता है, आपको खुद पता नहीं चलता। एक बार फिर से हम करेंगे, साथ साथ करें। एक सेकेंड में एक सांस अंदर लें, अगर शुरुआत में आपको कुछ कठिनाई हो रही है तो आप अपने हाथ को जब यहाँ पर रखेंगे तब आप महसूस कर पाएंगे, बड़ी ही नेचुरली, बड़ी ही सहजता के साथ आपकी सांस अंदर जा रही है और बाहर की तरफ जा रही है। कब आप इनहेल कर रहे हैं, कब आप एक्सहेल कर रहे हैं, ये बड़ा ही नेचुरली होता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अलग से बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने लग जाते हैं कि दैट यू आर डूइंग इट राइट और रॉन्ग, तब बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। इसलिए बड़े ही कन्वीनियंटली आप एक सेकंड में सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें, और आप खुद यहां पर अपने स्टमक पर, नाभि पर महसूस करेंगे। आप जब भी कपाल भाती करते हैं, कम से कम कोशिश ये करें कि 60 सेकेंड का यानी एक मिनट का आपको कपाल भाती का पूरा सेशन करना ही है। कहने का मतलब ये कि जब आप सांस लेना और छोड़ना शुरू करते हैं, कपाल भाती की शुरुआत करते हैं, उस वक्त कम से कम 60 बार ये स्ट्रोक होने चाहिए एक मिनट में। यानी कि 60 सेकेंड आप करते हैं तब आपका एक मिनट का कपाल भाती का सेशन होता है। आप इसे मैक्सिमम 10 टाइम्स कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप एक मिनट के लिए करते हैं, फिर डीप ब्रीथ करें, इनहेल करें, एक्सहेल करें, उसके बाद फिर दोबारा एक मिनट का कपाल भाती का सेशन करें। बिना रुके कम से कम 60 सेकेंड का स्ट्रोक आपको देना ही चाहिए, ये नियम कहता है। कपाल भाती करने से आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बोला कि आपकी स्प्लीन, आपका इंटेस्टाइन ये एक्टिवेट होता है, और क्योंकि आप ऑक्सीजन तेज़ी से अंदर ले रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, इससे आपके इंटेस्टाइन के अंदर भी ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा जाती है। आपका पाचन तंत्र अगर अच्छा रहेगा तो पोषण पूरा भरपूर आपके शरीर को मिलेगा। तो यह है सही तरीका कपाल भाती करने का, एटलीस्ट 60 सेकेंड्स यानी एक मिनट, एक मिनट के अंदर 60 स्ट्रोक कपाल भाती के आप ज़रूर करें। तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। इसमें भी आप कैसे भी बैठ सकते हैं, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, या फिर आप अपने बेड पर बैठ सकते हैं, चेयर पर भी बैठ के आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम का अर्थ होता है उल्टा और सीधा, जो शाब्दिक अर्थ है, यानी कि अगर हम योग की परिभाषा कहें, दायां स्वर या बायां स्वर। दायां स्वर कहा जाता है सूर्य का स्वर है, और बायां स्वर कहा जाता है चंद्र का स्वर है।
तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, जिसको इंग्लिश में ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग भी कहते हैं, ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग करने से जो सर्दी जुकाम वाले रोग होते हैं वो दूर रहते हैं। अस्थमा के रोगियों के लिए अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छा है। आप ये जानकर हैरान होंगे, जो गठिया के रोगों से पीड़ित है उनके लिए भी अनुलोम विलोम बहुत फ़ायदेमंद है। और जब आप अनुलोम विलोम कम से कम 10 मिनट के लिए करते हैं तो हार्ट के रोगियों को भी इसमें बहुत फ़ायदा पहुँचता है, क्योंकि जब ऑक्सीजन आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो रक्त प्रवाह जो है वो भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से होता है, ऑक्सीजनेटेड तरीके से होता है, तो आपके हार्ट तक भी ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर पहुंचती है। तो अनुलोम विलोम के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन करने का सही तरीका क्या है, ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग कैसे करनी है, अब वो आपको बताती हूँ। आपके हाथों की मुद्रा इस तरीके से होनी चाहिए, आपकी जो मिडिल फिंगर है इस तरीके से, आपका अंगूठा पहले आपके दाएं स्वर को बंद करेगा, यानी आपकी दाएं नासिका को बंद करेगा। आप अपना राइट नॉस्ट्रिल जैसे ही बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली राइट लेफ्ट से, यानी कि आपके चंद्र स्वर से आप सांस को इनहेल करेंगे। दोनों उंगलियों से फिर आप अपनी बाएं नासिका को बंद करें और फिर दाएं नासिका से इनहेल करें। अब दाएं को बंद करें, बाएं से एक्सहेल करें, फिर बाएं से इनहेल करें, दाएं से एक्सहेल करें। मैं बड़ी आसान शब्दों में फिर बताती हूँ कि जब आप अपने प्राणायाम की यानी कि अनुलोम विलोम की शुरुआत करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप पहले अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें, उसे होल्ड करें, और राइट से उसे एक्सहेल करें। और जैसे आप एक्सहेल करते हैं तो फिर राइट से ही आपको इनहेल करना है और लेफ्ट से आपको एक्सहेल करना है। जब आप अनुलोम विलोम की शुरुआत करेंगे तो ज़्यादातर आपको अपने बाएं से ही इनहेल करना शुरू करना है, लेकिन कई लोग ये शिकायत करते हैं कि जब वो अनुलोम विलोम करते हैं या तो उनका चंद्र स्वर बंद हो जाता है या फिर उनका सूर्य स्वर बंद हो जाता है, यानी कि कभी उनका दायां नाक बंद हो जाता है या फिर बायां नाक बंद हो जाता है। ऐसे में आपको करना क्या है कि जो नाक बंद है आपको लगातार उसके लिए वर्क करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपका चंद्र स्वर बार बार बंद हो रहा है तो आपको क्या करना है, आप सूर्य स्वर से इनहेल करेंगे और चंद्र स्वर से एक्सहेल करेंगे, कुछ इस तरीके से।